इसमें से जब बढ़िया है क्योंकि ये ट्रेडिशनल वाला है और ये आधुनिक वाला है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक बार। तो दोस्तों अभी मैं जाऊंगा मार्केट की तरफ, देखता हूँ वहां पर जाकर क्या क्या करता है। मन करता है कि फर कर दूं, तो वहां जाने के बाद मैं तरफ फर कर दूंगा, वो लाऊंगा, उसका बना के खाऊंगा लोकल स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल से बना के खाऊंगा मजा से। तो अभी रूपम बाइक को वहां पर जाऊंगा, वो उसको मतलब मुझे वेट कर रहा है कब से, मतलब तैयारी होकर। तो गाइस अभी वहां पर जाके मुलाकात होते हैं। सो फाइनली पहुंच चुका रूपम बाइक यहां पर, मुझे कब से वेट कर रहे हैं। हो गया 10 मिनट जैसा। तो अभी चलेंगे, जीरनी जाएगी? नहीं, मम्मी जाएगी साथ में। बढ़िया। ए ब्रो मॉर्निंग। और प्रियंका भी जाएगी, तो उसको भी लेके जाऊंगा, उठा के लेके जाऊंगा उसका घर से। बिल्कुल जवान लग रहा है रुपम की मम्मी को। क्या बात है, हम कह रहे हैं चलो 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 जल्दी। तो वो लोग बहुत दूर पहुंच चुके हैं। क्या बढ़िया मजा, अभी जाएंगे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मार्केट में, तो यहाँ से कुछ सामान लेते हैं। प्रियंका और रुकुम की मामी मेरा पीछे पीछे, तो रुकुम भाई पता नहीं कहाँ गया, वो आ रहा होगा वो पीछे पीछे। और यहाँ से ले लेंगे ड्राई पीस, हैंडसम ड्राई पीस लेंगे। यहाँ पर ले चुका है यहाँ पर ड्राई पीस, यहाँ पर 1250 रुपये का 1.5 किलो चलेगा। हाँ 500 टका। तो यहाँ से बेर लेंगे, तो जंगल का बेर खाते खाते बोर हो चुके हैं। हैंडसम मैं बोल रहा है इसका स्वाद, एक तो टेस्टिंग करो ना, टेस्टिंग के नाम पर सब फिनिश कर दो, फिनिश कर दो, फिनिश कर दो टेस्टिंग के नाम। हैंडसम है कि नहीं स्वाद? हाँ, लोकल किसान है ना ये, इनका खेत का जंगली सब्जी सेलिंग हो रहा है। लेकिन आज मतलब जंगल सब्जी इतना नहीं है जिससे हम हर वीक आते हैं, यहाँ पर बहुत सारा मिलते हैं, बस यहाँ पर लोकल ऑर्गेनिक सब्जी ज्यादा है। तो बेसिकली हम लोग आया जंगल सब्जी के लिए। सो यहाँ से फर होते हैं खाने के लिए, बैम्बू में डाल के बनाएंगे लोकल ऑर्गेनिक स्टाइल से ना। ये बोला लोकल सब्जी लोकल। और तो कुछ लोगे, कुछ खाओगे? तो अभी चलेंगे, तो रुपम भाग गया तो मैं लोकल मुर्गी खरीदने के लिए। ऐसे अभी मुझे जाना पड़ेगा मतलब ATM से कुछ पैसा निकालने के लिए, तो यहाँ पर मतलब कुछ ड्राई फिश और लेंगे। तो उसके लिए मैं तो इनाफ पैसा निकल के ले आता हूँ, सब खत्म हो गया यहाँ पर, वो सामान लेते लेते और पैसे चाहिए। सो पहुँच चुका हूँ यहाँ पर ATM पे, तो यहाँ से कुछ पैसा निकालते हैं, मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं जुड़ रहा है। सो इस ATM से 15 निकाल चुका है YouTube का पैसा पहले, तो यहाँ इस ATM से लात मार के पैसा निकालता है ATM। तो अभी वो ठीक हो गया, और ये मतलब इसका ATM का हालत तो हैंडसम हो गया। तो अभी जाते हैं मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर पर्दा खरीदना है और पता नहीं क्या क्या खरीदना है। और यहाँ से जाने का कुकिंग करना पड़ेगा फॉर बिल्कुल लोकल स्टाइल। और यहाँ से लेंगे बिथर एक प्लान, तो प्रियंका यहाँ से बिन बिन के लेगी, तो मुझे बहुत पसंद आता है इसका स्वाद। ये है सीडोल, सीडोल बहुत ही फेमस है और इंडिया में नॉर्थ की तरफ सीडोल कहता है, सीडोल चकमा ट्राइब लोग इसके मतलब बहुत ही खाते हैं, और मॉक लोग भी खाते हैं, ये मॉक ट्राइब लोग बहुत ही लोग खाते हैं सीडोल। सीडोल मुझे हैंडसम है। तो यहाँ से पल ले लेंगे अंगूर है, ये वाला इतना स्वाद नहीं है, और ये बेर है एप्पल सेब और ब्लैक वाला अंगूर। सो ब्लैक वाला अंगूर यहाँ पर 300 रुपया, ये वाला 200 रुपये का, काफ़ी महंगा है कंपेयर टू आतरा स्टेट। फाइनली पहुँच चुके हैं, तो प्रियंका का घर, तो प्रियंका यहाँ पर उसका सामान ले लेगी, क्या क्या लिया वो यहाँ से निकाल लेगी, उसके बाद मैं जाऊँगा अपना घर। तो प्रियंका जी मुझे दे रही है यहाँ से लोकल आलू, और क्या क्या दे रही है? तेल, तेल सरसों की तेल। वाह, लोकल आलू बहुत किया है, तो वो लगा खेत में और भी मिलेगा। तो यहाँ पर है साली, अभी काम करके आई है। आलू कितना मिला? बहुत ज्यादा। हाँ, तो गाइस अभी जाएंगे साले साहब के साथ वो बैम्बो काटने के लिए, बैम्बो के सुआ वहाँ पर बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल से पका के खाने के लिए। तो ये काटेगा, इसका हाथ तो और भी गंदा है, इसको कोई इश्यू नहीं पड़ेगा। यहाँ पर है बैम्बो, इसमें घुस के काटेंगे, उसका बात लेके आएंगे, लेकिन घर पे जाएंगे तो वहाँ पर बनाएंगे बैम्बू में घुसा के। सो यहाँ पर बैम्बू है, तो देखते हैं यहाँ से किसको लेके जाते हैं। ये तो बुद्धा हो चुके हैं, चले चलेगा ये शायद, ठीक है ना ये तरफ बढ़िया लग रहा है।
तो भाई साहब लोग, मैं तो घर पे नहीं खाना नहीं खाऊंगा, यहाँ पर खाऊंगा, क्योंकि वो घर पे मतलब अकेले खाने के लिए मजा नहीं है, क्योंकि मेरा बहन भी मतलब वो मीट मछली वो नहीं खाती है, तो वो उसको मतलब देखने का मन नहीं करता, वो उसका खाना भी मतलब ठीक नहीं होता है जब मैं उसके सामने मीट मछली खाता हूँ। तो यहाँ पर मैं खा के जाऊँगा, तो यहाँ पर बनाएंगे। तो ये वाला बेम्बो तो बकवास था, इसलिए मेरा साले साहब गया है नया बेम्बो काटने के लिए, तो वहाँ पर बनाएंगे गुस्सा के मस्त से मज़ा से गैस। तो मीट मछली खाना अकेले खाने से हजम नहीं होता है, मन नहीं करता भाई, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर मिल गया ना बढ़िया वाला, इसमें बनाएंगे लोकल स्थल ट्रेडिशनल स्थल से। तो यहाँ पर अंकल जी हेल्प कर रहे हैं मुझे इसको, एक जमाना में मेरा दोस्त हुआ करता था, अभी मेरा ये बन चुका है ससुर, है कि नहीं, ये मेरा दोस्त हुआ करता था, अभी बन गया साला। वहाँ तो यहाँ पर साले ने सब कुछ तैयार करके रख दिया, फॉर्क बना के खाए खिलाएगी अपना स्थल से, इसके हाथ से फिर से खाऊंगा। ये आईना देख रहे हैं बीच को रहने के लिए। और तू क्या बनाओगे? आलू। आलू बनाओगे? सो नहीं तो मैं घर पर जाने के बाद वहाँ पर कुकिंग करने था, लेकिन वहाँ पर नहीं जाऊँगा अकेले, मन नहीं लगता वो खाने के लिए। सो आदमी के साथ खाने के लिए बहुत मज़ा आता है। वाह हैंडसम। तो ये बेम्बो तो फाइनली वॉश हो चुके हैं, तो इसी के अंदर में कुकिंग होगा, कुकिंग इसका अंदर डालूंगा मैं अभी सुहा के अंदर में। वाह सो भाई साहब आप मैं इसे बनाऊंगा बिल्कुल लोकल स्टाइल से। वाह मज़ा मज़ा मज़ा, बेम्बो में डाल के बनाएंगे, ये होता है ट्रेडिशनल स्टाइल। यहाँ पर बहुत साल पहले ऐसे ही खाते थे लोग, तो अभी भी खाते हैं उस लोग, बहुत लोग खाते हैं हमारे इधर में इससे, लेकिन ये मतलब इससे कोई हानिकारक कोई साइड इफेक्ट नहीं होता ये। तो यहाँ पर सालजी हेल्प कर रही है मुझे ये पकाने के लिए, फॉर्क से बनाएंगे कढ़ाई में। तो वहाँ पर तो ऑलरेडी बन रहा है वहाँ पर वो उसमें बेम्बू में, और यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर फिर से बन रही है फॉर्क, दो प्रकार का बनेगा फॉर्क जिससे मेरा ससुर ने लेके आया। तो प्रियंका जी फिर से बनाने वाले है चावल ना? और ससुर आ चुके हैं, तो कोई प्लान नहीं था, वो भी लेके आया है थोड़ा मीट, तो मेरा वाला हिस्सा तो वहाँ पर बन रहा है वो प्रदर्शन स्थल से बेम्बू में घुस सके, तो ससुर का हिस्सा बन रहा है इसने कढ़ाई पे, तो वो भी बनाएंगे बोलता है लोकल स्थल से, कुछ स्पेशल मसाला यहाँ का पत्ता देंगे जिसे सबरिंग कहता है, उसके साथ मिक्स करके बनाएंगे बोल रहा है कि दोनों यूनिक होते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है मजा से फर, तो कुछ टाइम लगेगा, लगभग 15 मिनट के आसपास लग सकता है यहाँ पर बेम्बो वाला, और वहाँ पर बन रहा है खड़ाई वाला। सो फाइनली ये कुकिंग हो चुके हैं, इसको निकालेंगे तो उसके बाद खाना खाएंगे मजा से। तो मैं ये ढक्कन खोल के देखता हूँ, वाह म्यूजिक उबल रहा है पूरा मस्त करके, वाह पक गया है। अब इसको निकालेंगे, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो अब इसको निकालते हैं, तो इसको अभी मतलब खाना निकल रहा है, तो कुकिंग तो कंप्लीट हो चुके हैं, मज़ा फर्क फर्क ट्रेडिशनल वाला गर्म है, इसलिए मैं एक तरह कपड़ा से इसको मतलब कस के पक रहा हूँ, तो अभी भी उबला म्यूजिक तो आ रहा है थोड़ा करके। वाह मज़ा मज़ा मज़ा। सो यहाँ पर खाना निकल रहा है, तो मीट मतलब ज़्यादा बराबर है इसलिए नहीं निकल रहा है, तो इसमें आधा निकल चुके हैं, उसको बाद में निकालेंगे, इसको पहले साफ करेंगे उसके बाद। तो अब इसको निकालेंगे, या मज़ा मज़ा मज़ा। सो ये है वो बेम्बू वाला, और ये वाला कढ़ाई वाला, फ्राई वाला, दोनों ही साले ने बनाया है,
तो इसका कृतित गोश्त साली, तो सस मम्मी भी बहुत हेल्प किया। तो साले साहब को तो हैंडसम लग रहा है, बाल खाट के तो खाना खा रहा है। और तू कब खाओगे? अभी खाएंगे हम भी। ठीक है। सो भाई साहब मेरा यहाँ पर लांस रेडी हो चुके हैं, और ये कढ़ाई का फर्क और ये बेम्बू का फर्क, दोनों का कलर अंतर है और स्वादी दोनों का अंतर होते हैं। सो गाइस शुरुआत करते हैं फर्क के साथ, तो पहले करते हैं कढ़ाई का फर्क का स्वाद टेस्टिंग करते हैं। मजा और लाजवाब। बेम्बू का इसमें से जब बढ़िया है क्योंकि ये ट्रेडिशनल वाला है और ये आधुनिक वाला है, दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। काफ़ी गर्म है भाई फर्क। सो भाई साहब लोग फाइनली खाना वाना कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं छतुआ लोग खलवा लेकर यहाँ पर मैं थोड़ा ले चुका हूँ यहाँ पर फर्क, तो वो लोग को भी दूंगा, खाएंगे वो लोग भी। अभी जाएंगे थोड़ा रेस्ट करने के बाद। यस सो फाइनली पहुँच चुका हूँ घर पे, और यहाँ पे मेरा दो बहने अभी जाते हैं। यह बहुत ही भारी है, इसी में 3-4 हज़ार का सामान है। सो भाई सब लोग मैं फाइनली थोड़ा रेस्ट कर चुका हूँ, तो अभी नहाने का वक्त हो गया, तो अभी नहाएंगे, उसके बाद नहाने के बाद भी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे इधर उधर कुछ काम के लिए और घूमेंगे। तो मैं नहाने से पहले इसको मतलब अलग करता हूँ सरसों के बीच, तो तेल निकालेंगे इससे। सो भाई साहब लोग मैं 5 दिन नहा चुका हूँ, तो अभी जाऊँगा मेरे दोस्त को वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि आज बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे वीडियो, तो भाई वहाँ पर जाकर मिलते हैं। सो मैं ये रूपम भाई के यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन रूपम भाई गया था, वो गया है कि मछली मारने के लिए, लेकिन मैं इसको वेट करूँगा उसको रात होने तक, क्योंकि दोनों जगह एक ही साथ वीडियो अपलोड करने के लिए। सो गाइस आज के वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर से और एक बार। बाय बाय दोस्तों, बढ़िया से रहना और गुड नाइट भी। अरे मजा से सुना यार।